हफीज उल्लाह न्याजी साहब, मुझे एक बात समझाएं सर कि इमरान खान साहब ने क्या सोच के, जबकि नाव की पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो लॉयर्स बन के बैठे हुए पोर्टफोलियोज लेके बड़े बड़े, वो खुद उनकी टांगे कांप रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को जा जाके कह रहे हैं कि जनाब प्रोटेस्ट आप आगे कर दें, इस पर नज़रसानी करें। क्या सोच के, क्या ऑब्जेक्टिव एक अचीव कर रहे हैं इमरान खान ने 24 के प्रोटेस्ट से, और किस तरह इसको एक्सिक्यूट होता देख रहे हैं आप न्याजी साहब? शुक्रिया कामरान। पहले तो ये बताएं कि अपनी जनरल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, क्या इमरान खान साहब ने ये जो प्रोटेस्ट है ये पहली दफ़ा की है ऐसी कॉल? नहीं, और अगर इससे पहले जब कॉल अगर की हैं, अगर आपके ठीक है अगर आपके इल्म में है तो उनका क्या हशर हुआ था? कौन सी कॉल जो है इनकी, जो कि वो नतीजा खेज या जिसका कोई मंतकी किसी अंजाम में पहुंची हो? मत भूलें कि दो कॉल उसकी जो मैं साइटेशन के रिपोर्ट देता हूं, देने के तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं होता, प्रोग्राम के अंदर 2-3 मिनट होते हैं, इसके अंदर आर्गूमेंट को वाइंड अप करना पड़ता है। दो कॉल्स, एक उन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद में 30 लाख बंदा लाना था और उसके लिए उन्होंने 40 जलसे किए, और ये जलसे करना पोलिटिकल पार्टी जब करती है, और जबकि वो ऐसे, और ये भी उनको सहूलत थी कि एस्टेब्लिशमेंट को गालियां भी दे रहे थे और कोई पकड़ में नहीं रहा था, आज भी कह रहे थे, उनको पहली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि उनको जलसे करने की इंटरव्यू देने की, आपको इंटरव्यू दिया, हर एक को इंटरव्यू दिया, पूरा निजाम को वो इस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या जब 25 मई की बजाय 26 मई को पहुंचे, जबकि जजेस ने कहा था उन बिचारों तक पैगाम नहीं पहुंचा? मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप राइट पर्सन अभी आया जहन में, मेरी बात सुन लें, मुझे ये बताएं कि आप जो दलाइल दे रहे हैं, मैं इसको मान रहा हूं कि इमरान खान के कहने पे भी लोग नहीं निकल सके उस तरह, तो अब इमरान खान जेल में तो कैसे निकलेंगे, अब तो पार्टी स्ट्रक्चर। मुझे ये बताएं कि सर पॉपुलर लीडर जब होता है, आप खुद भी मानते हैं इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो उससे बस कमरों की हद तक, तस्वीरों की हद तक, वोट खुफिया तौर पर डालने की हद तक मोहब्बत करती है, वो उसके लिए सड़कों पर नहीं आ सकती, इमरान खान के लोग उसके लिए सड़कों पर नहीं आ सकते, यही यहाँ का अंदाजे बयां है यहाँ के पंजाब के लोगों का या KP के लोगों का। देखें, एक ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अच्छा। मैं उसको आसानी से नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मुख्तसर दो तीन सेंटेंस में बता दूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई इमरान खान साहब का जो कमाल था कि बुजदार साहब उन्होंने दिए थे, उसका ये इसको उनका कौम उनको अजर दे रही है, 50 लाख नौकरियाँ दी थी, 1 करोड़ घर दिए थे, क्या वो टैक्स के जो है पहला साल 8 करोड़ में ले गए थे, क्या करप्शन इंडेक्स 116 से उठाया था जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट छोड़ गई थी, 144 से पहुंचाया था, इसमें वोट मिले थे। देखिए क्राइसिस ये है कि जो ये जो चीज़ है ना, देखो पहली बात उसे ये है कि मुस्लिम नून ने अपनी सियासत जो है ना उसको खुदकुशी की है, इसमें दो राय नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो इमरान खान के पास है, नंबर दो है कौन, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वाक्य हुआ है, और ये भी मुस्लिम नून को इसका सेहरा जाता है कि कराची से लेकर चतराल तक 10 अप्रैल को जब इमरान खान को निकाला तो ये पहली दफा हुआ है। कभी आप इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख देखें कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास अपोजिशन की स्लॉट आ गई थी, ये और बहस है, लेकिन क्राइसिस ये है कि इस वक्त बाकी सियासी जमातें खासतौर पंजाब और KP के अंदर इररेलीवेंट हो गई हैं, और उसमें उन बेचारियों का कसूर नहीं है, उनका कसूर इतना है कि पति उनके जाती मफादात थे या मुल्क को बचाना था, क्या करना था, लेकिन ये उनको ही मालूम है कि वो पॉलिटिकल उनका, जैसा आप कह रहे हैं कि नून लीग ने खुदकुशी कर ली, नून लीग जो है वो इररेलीवेंट हो गई है, सारी पार्टियां इररेलीवेंट हो गई पंजाब के अंदर, मेरा सवाल है। लेकिन मैं एक बात मुकम्मल कर दी, जी जी जी, कि इमरान खान साहब जो है ये जो होती है ना बात, जो जब तक आप मुकाबला कर रहे होते हो तो आपको जाहिर है कि जो पॉलिटिकल जो उसके ऑप्टिक्स है वो आपके हक में जा रहे होते हैं, ये कोई सच रियलिटी नहीं है, वगैरह वो 400 नजर आती, ये ना होता कि इमरान खान साहब। सर लेकिन मेरा सवाल है ना कि ये सब कुछ होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल रियलिटीज इररेलीवेंट है, सर इमरान खान हकीकत है, फिर भी आवाम नहीं निकल रही, और क्या 24 को निकलेगी उनके लिए? नहीं निकलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता फिर, ये इस मोहब्बत का क्या फायदा, निकलने का चांसेस होते नहीं। देखो मैं पहली बात बताऊं कि जो अलीमीन गंडापुर साहब या गोहर अली खान साहब गए इमरान खान साहब के पास, तो क्या कहने गए,
कि भाई माफ कर दो ना करो, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने गए ना, उनके नहीं है मोहल्लाद खान साहब, वो पॉलिटिकल एनिमल है। तो गंडापुर तो है गोरेली, इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है आपके ख्याल में? और भी कई वजह, इमरान खान तो बड़े समझबूझ वाले आदमी भाई, मेरे ख्याल में नहीं है जी। मेरा ख्याल है सिफर, बड़े सिफर है सियासत में उनके, उनका यही प्रॉब्लम है। उन पर मगर उनके अंदर बड़ी क्वालिटीज थी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट जो मैं कह रहा हूँ उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? आप कह रहे कैपेसिटी नहीं है। एक सवाल मैं पूछ लूँ आपसे, आप बताएं क्या इन हालात के अंदर जो फसाइया चल रही है क्या करते हो? जो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखिए जी मैं तो सदीक साहब इन लीडरों से बड़ा बड़ा तंग हूँ। क्या फसाइयत है? आप देखें राणा सोनोला को, क्या इमरान खान ने कहा जी मुझे बड़ा तंग किया? मैंने कहा जी आपको तंग किया, आप राणा सोनोला की कमरे में? कमाल है न्याय साहब, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म भर्ती करती रही है एस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के अंदर मैं कहता हूँ साफियों को ही भर्ती करती रही होगी। मैं कभी उनकी भर्ती पर नहीं आया न्याय साहब, आप मेरे मतलब बड़ी गलतफहमी हुई। हाँ मेरे पास एक्सेस है जितनी भी है आजकल, तो वो भी बड़ी काम मेरी अर्थ तो सुन ले मेरी सिफारिश नहीं ली आपकी बात सर, मैंने एक बंदे की सिफारिश की थी, वो आज तक इंटरव्यू मेरे पेटे पड़ा हुआ उस्मान डार का, तो मेरी कोई सिफारिश? देखें एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है और वो मुल्क का इंटरेस्ट देख रही होती है, अपने इदारे का इंटरेस्ट देख रही होती है। हमें वो उनकी बड़ी मेहरबानी है, खबर दे देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और हमने उनसे क्या लेना है? हम किस चीज के रवादार हैं इस मुल्क में? तो एस्टेब्लिशमेंट ने लाइटर नोट एनवेलप दे दे के स्टोरीज भी लिखवाई हुई 1990s के जरिए बड़े बड़े साफियों से। अब मैं क्या बताऊं आपको, अल्लाह का शुक्र है भाई हमारा ये काम नहीं। मैंने मुझे यही पता था कि जब बड़ा भाई जो है वो आपको काम कहेगा, आपने कितने मेरी बारी आई है। अच्छा सर मैं बताता हूँ आपको, मैं एस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दूंगा, ये मेरी बात सुने सर, इस्टेब्लिशमेंट को मेरा ये मशवरा है ऑन एयर, इन पॉलिटिशियनों से और इन सिविलियन से अपनी जान छुड़ाएं, ना इनके साथ उठे ना इनके साथ बैठे और उनको कहे और कहे सिविलियंस को वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू एंड डोंट मेस विद अस, ये होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंड, मेरा तो ये है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब का नाम तो नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी भी उनके अंदर एक कोई ना कानून और आइन के लिए उनके लिए जान पॉइंट आ गया सर, बात लंबी हो गई। उनसे मैं गुजार उनके बजाय उनके नहीं, लेकिन नहीं एक बात ले लें, सुबह आज मॉर्निंग प्रोग्राम में मुनीब के साथ बैठा था, तो मैंने उन्हें कहा था मुनीब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना तजियाती मुस्तकबिल जो है संवारने के लिए और उसको चार चांद लगाने के लिए मैं मेरा ख्याल आपकी और फैसल वाडा की मदद लूँ। ये वैसे आप सही जगह गए, वहां से मदद मिल जाएगी, पॉइंट आ गया आपको, इमदाद पूरी मिलेगी भाई, हम तो खुद मदद के लिए अल्लाह की तरफ ही देख रहे हैं।